आज गणेश चतुर्थी है। देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से लोग मना रहे हैं। गणेश उत्सव महाराष्ट्र का सबसे बड़ा यह त्योहार है। लोग बापा को अपने घर ले जाकर विराजमान कर रहे हैं। इस श्रृंखला में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में अपने निवास स्थान पर भगवान गणेश की स्थापना की एवं भगवान गणेश की आरती कर देश में खुशहाली की कामना की। हम भारतीयों के लिए गणेश उत्सव एक ऐसा त्योहार है कि वो बड़े उत्साह के साथ पूरे देश भर में एक प्रकार से हमारे संस्कृति का परिचायक भी है और बड़े उत्साह के साथ और पूरी तरह श्रद्धा के साथ यह कार्यक्रम होता है। हमारे भगवान गणेश जो है वो विद्या का दैवत है, नॉलेज, ज्ञान, और आने वाले समय में हमारे देश की ये विशेषता है कि ज्ञान, विज्ञान और तंत्र विज्ञान के आधार पर हमारी नॉलेज हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे भारतीयों को भगवान गणेश ऐसी ज्ञान की, ज्ञान का एक प्रकार से वरदान दे कि पूरे विश्व में ज्ञान के भरोसे हम विश्व का दिशा दर्शन कर सके। इतनी शक्ति, ऐसा आशीर्वाद भगवान गणेश हम सबको दे, यही उनके चरणों में मैंने प्रार्थना की है। और उसके साथ साथ हमारे गणेश जी के बारे में सुखकर्ता दुखहर्ता, यानी सुख देने वाला और दुख को नष्ट करने वाला दैवत है। हम सब के जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता रहे और जो दुख है, दर्द है, वो हमारे जीवन से निकल जाए, इसके लिए सबको आशीर्वाद दे, यही मैं गणेश जी के चरण में प्रार्थना करता हूँ।